विश्वविद्यालय के संवाद भवन में नव नियुक्त शिक्षकों के एक वर्ष का शिक्षण कार्य पूरा होने एवं कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह के दो वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती गीता सिंह व अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान सभी संकायों के अधिष्ठाता विभागाध्यक्षों समेत सभी नव नियुक्त शिक्षकों ने कुलपति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें माल्यार्पण पढ़कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों की जिम्मेदारी अधिक है कि वे अपने इस युवा जोश से विद्यार्थियों को लाभान्वित कराएं एवं शिक्षण कार्य के नए स्वरूपों को भी अपने शिक्षण प्रक्रिया में लागू करें। कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर रवि कृष्ण सिंह ने कहा। इस अवसर पर प्रोफेसर सीपी श्रीवास्तव, प्रोफेसर हरिशरण, प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर शोभा गौड़, अवधेश तिवारी, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर दीपक त्यागी सहित विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं श्री वीरेंद्र चौबे जी, आप सभी से आग्रह करता हूँ
अब मैं विजय स्वागत को अभिनंदन करता हूँ। अधिकारी श्री चौबे जी, कुल सचिव श्री शर्मा जी और मंच का संचालन कर रहे भाई रविशंकर सिंह जी और मंच के सामने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य, जो कुछ भी मैंने शिक्षक हित में संघर्ष करने का या कार्य करने का जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी प्रेरणा मुझे मिली है, वो आदरणीय प्रोफेसर चिरंजन मिश्र जी से। शिक्षक बंधु, समकक्ष शिक्षक बंधु और विशेषकर जो मेरे नवनियुक्त शिक्षक बंधु हैं, मैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश आवासीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बी एन सिंह जी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, मंत्री सुधाकर बंधु जी, निर्मल नारायण सिंह और पूर्व कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री लाल बहादुर जी एवं अन्य सभी कर्मचारी और मीडिया से पधारे हुए या अन्य जो इसका भी नाम कहीं छूट जाओ, सबका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ने लिख रखा था मेरे भाग्य में यह कार्यक्रम करने का मुझे अवसर मिला, इसके पहले भी अवसर मिला था।